आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नोटबंदी जिस पर आशंका कुछ अर्थशास्त्री जता रहे थे, जिस बुनियाद पर विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा था, उसका अलार्म सरकारी आंकड़ों ने बजा दिया है। विकास की दर पिछले साल के मुकाबले 0.5% कम रहने का अनुमान जताया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी 2 दिन पहले इसकी आशंका जता चुके थे। क्या कैशलेस के फेर में नौकरियों पर चलेगी कैंची? क्या नोटबंदी के दौर में इंक्रीमेंट हो जाएगा मना? कतार के आगे क्या है नोटबंदी का असर? क्या सुस्त रहेगी अर्थव्यवस्था, तरक्की पर लगेगा ब्रेक? कतार की मुश्किलों को सहकर भी ज्यादातर देशवासियों ने नोटबंदी के फैसले का साथ ही दिया, लेकिन अब नया साल आते ही लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। कुछ अर्थशास्त्री, कुछ विपक्षी नेता और कुछ सरकारी आंकड़े जो कहते हैं उनसे लोगों को कुछ कुछ हो रहा है, कहीं साल इंक्रीमेंट न फंस जाए। नए साल पर नौकरी बदलने की आस लगाए लोग सोच में डूबे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले भी सहमे हुए हैं। इन सबके बीच शुक्रवार को सरकार ने आर्थिक विकास दर के 0.5% घटकर 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि इस अनुमान में नोटबंदी का असर शामिल नहीं है। नोटबंदी का असर दिखाने वाले आंकड़े 28 फरवरी को आएंगे। इससे एक दिन पहले गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी नोटबंदी पर पहली बार अपनी राय रखी थी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के फैसले की तारीफ तो की, लेकिन नसीहत भी दी और अंदेशा भी जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि काले धन को रोकने और भ्रष्टाचार से लड़ने के बीच नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में अस्थायी सुस्ती आ सकती है। मैं गरीबी को दूर करने के प्रयासों पर जोर देने की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि गरीब लंबे वक्त तक इंतजार कर सकते हैं। हमें गरीबों को दिक्कतों से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। गरीब को उसकी परेशानी में मदद करने की जरूरत अभी है, जिससे वो भूख, बेरोजगारी और दमन से आजाद भविष्य की तरफ देश के सफर में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सके। राष्ट्रपति के संदेश के बाद सीएसओ ने भी साल 2016 से दर 0.5% कम करने का अनुमान लगाया है। अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल जीडीपी पिछले साल के 7.6% से घटकर 7.1% रहने का अनुमान है। खेती बाड़ी की विकास दर 1.2% से बढ़कर 4.1% रहने का अनुमान है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 9.3% से घटकर 7.4% रहने का अनुमान है। सर्विस सेक्टर की दर 8.9% की जगह 8.8%, इंडस्ट्री की विकास दर 7.4 से 5.2% और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की विकास दर 3.9 से 1% घटकर 2.9% रहने का अनुमान है। विकास दर में गिरावट हो रही है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय में इजाफा भी 6.2% की जगह 5.6% रहने का अनुमान है। हालांकि सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती के सामने भारत में तरक्की की रफ्तार। दरअसल कुछ लोगों के डर और सरकार के भरोसे के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है आम आदमी की क्रय शक्ति। सरकार को भरोसा है कि ब्याज दरों में कटौती लोगों की आशंका को दूर करेगी। लोगों के पास कैश की किल्लत है, तो नोटबंदी से मालामाल हुए बैंक लोगों को ज्यादा कर्ज देने में सक्षम होंगे। अनुमान ये भी है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.5% कटौती कर सकता है, जिससे बैंक आम लोगों और उद्योग के लिए ब्याज दर में और भी कमी कर सकते हैं। दूसरा सवाल नौकरियों को लेकर है। आशंका है कि असंगठित क्षेत्रों में रोजगार कम होंगे, तो सरकार को उम्मीद है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से संगठित, खासतौर पर बैंकिंग, रिटेल और ऑनलाइन कारोबार में तेजी से इजाफा होगा। सरकार का कहना है कि विकास दर में गिरावट का अनुमान बहुत मामूली है, लेकिन लोगों की फिक्र इसलिए बढ़ी है, नोटबंदी के असर की असल तस्वीर तो अभी आनी बाकी है, जिसके आंकड़े 28 फरवरी को सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो। हालांकि आर्थिक विकास दर के सुस्त होने के फिलहाल नोटबंदी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष को मौका तो मिल ही गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकारी आंकड़ों और राष्ट्रपति के बयान को लेकर पीएम मोदी पर चौतरफा हमला बोल दिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जल्दबाजी ठीक नहीं, अभी पूरी तस्वीर साफ होने दीजिए। कतार के बाद जब आर्थिक विकास की रफ्तार भी सुस्त पड़ने लगी, तो सरकारी आंकड़ों और राष्ट्रपति के बयान ने विपक्ष को नई धार दे दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर आरोप जड़ा कि नोटबंदी के चलते उनके राज्य को 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ममता ने पश्चिम बंगाल में करीब 82 लाख लोगों के बेरोजगार होने का दावा भी किया। मोदी के खिलाफ हमले पूरब से पश्चिम तक तेज हो गए।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने नासिक में किसानों के बीच पीएम मोदी की नकल उतारते हुए उन पर निशाना साधा। तो आम आदमी पार्टी से लेकर नोटबंदी का समर्थन करने वाली जेडीयू तक ने नोटबंदी से पड़ने वाले असर को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, 100 लोगों की जान ले ली और जिसकी वजह से सारा बिजनेस ठप कर दिया, सब लोगों का धंधा चौपट कर दिया, सबका घर बर्बाद कर दिया। लगभग 40 करोड़ देश में असंगठित मजदूर है, समूचा अपना वापस चला गया, अपना अपना घर चला गया, क्योंकि उसके जो मालिक हैं उनके पास पैसा नहीं, रिक्शा से लेकर ठेला वाला दुकानदार समूचा ठप हो गया, ये देश बहुत पीछे चला गया हमारा। नोटबंदी की हट धर्मिता छोड़िए, नोटबंदी से देशबंदी जो लागू की है उससे जनता के नुकसान की भरपाई कीजिए, क्योंकि देश इंतजार नहीं कर सकता। इसके इम्प्लीमेंटेशन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिसमैनेजमेंट की वजह से आम आदमी की जिंदगी में बहुत तकलीफ बढ़ी। राष्ट्रपति का राष्ट्र प्रमुख होने के नाते चिंतित होना स्वाभाविक है। एंडोर्स किया। इतना ही नहीं, केंद्र से महाराष्ट्र तक सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। जिस तरह से आज भी 1,000 रुपए के लिए 2,000 रुपए के लिए मर रहे, बेरोजगार हो रहे है, ये हालात अगर ज्यादा दिन तक रहेगी तो ये देश देश नहीं रहेगा। उसकी हालत अफगानिस्तान जैसी भी हो सकती है, चाहे कोई भी समर्थन करे नोटबंदी का। हालांकि बीजेपी का मानना है कि हालिया सूरत की जगह विपक्ष को भविष्य की बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए और राष्ट्रपति की बातों को एक संरक्षक एक पिता की तरह लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता, राष्ट्रपति जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है और हम तो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं राष्ट्रपति जी का, और उन्होंने बताया है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई भी योजना स्कीम अगर लेकर आते हैं तो आगे आने वाले समय में ही उसकी जो सफलता है वो सामने आती है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के साथ ही अर्थशास्त्री भी अलग अलग राय रखते हैं। ऐसे में सरकार की उम्मीद के साथ देश भी उम्मीद लगाए है, लेकिन राष्ट्रपति की नसीहत और विकास दर के आंकड़े सरकार के लिए अलार्म भी है। आज तक ब्यूरो। विकास की रफ्तार और नोटबंदी का अब तक जो रिश्ता सामने आया है वो सरकार की उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आता। छोटे कारोबार और किसानों का हाल विकास और नोटबंदी के बीच 36 के आंकड़े जैसा दिख रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आज तक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर प्रदेश का शामली। गन्ने की खेती और चीनी मिलों के लिए मशहूर, लेकिन नोटबंदी ने यहाँ के किसानों की जिंदगी की मिठास ही छीन ली है। नोटबंदी से पहले तो हालात ठीक थे, अपना जो कुछ कमावे थे कमा के खर्च करके जो बचत अपने घर उधर लेते, ज्यादा होता बैंक में जमा कर लेते। अजीब तो यह दिक्कत हो रही, जो कुछ घर उधर था पैसा वो भी बैंक में जमा करिए, वो वापिस नहीं मिल रहा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि किसान नोटबंदी से ज्यादा उसे लागू करने के तौर तरीकों से परेशान हुए। तो मोदी ने फैसला जो लिया है सही लिया है। वैसे फैसला तो सही लिया, लेकिन यही दिक्कत है थोड़ी। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले कुशीनगर के गुड़ उद्योग पर भी नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है। क्रेशर मालिकों का कहना है कि कैश की किल्लत से काम धंधा मुश्किल हो रहा है। अब मान लीजिए यही हम लोग का बिजनेस है, 6 महीना कमाते हैं तो 6 महीना किस तरह से खाते हैं। अब ना क्रेशर हमारा चल ही रहा है ना कुछ है, पैसे के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। अब इसलिए हम लोग क्या करें, क्रेशर बैठा कर हम लोग बैठे हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के गृह जिले चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब किसानों का कहना है कि धान की फसल बिक नहीं रही और अगर बिक भी रही है तो वाजिब दाम नहीं मिल रहे। बीज खाद नहीं खर पाए, धान भी जो है अब सस्ता बिक रहा है, वो भी उधार मांग रहे हैं व्यापारी लोग। बहुत असर पड़ा है, पैसा जो खाता में है वो नहीं निकल पा रहा है, जुताई नहीं दिया पा रही है, गेहूँ लेट बोया, खाद नहीं पड़ा, अभी दौरी बाकी है हमारी। कहाँ अभी बुआई भी नहीं हुई पूरी, अब बुआई पूरी न होने से जो है बहुत दिक्कत है, ऋण कर्जा लेकर किसी तरह जो है अभी बोया गया है अभी। देश विदेश में मशहूर महोबा के दिशावरी पान पर भी नोटबंदी का संकट टूटा।
नोटबंदी से पहले 20 लाख रुपए रोजाना का कारोबार घटकर 10 लाख रुपए रोजाना पर आ चुका है। पांच किसानों को पूरा असर है, कम से कम 80% का असर है। बाहर पांच किसान लेके जाता है तो वो लोग 100-1500 के देते हैं, 100 या 1-2 रुपए की चिल्लर देते हैं, इसलिए किसान ने पान तोड़ना बंद कर दिया। नोटबंदी के शिकार दूसरे कुटीर उद्योग भी हुए हैं। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान के शहर रामपुर में बीड़ी जैसे कुटीर उद्योग पर इसका खासा असर पड़ा है। रामपुर की बड़ी आबादी गरीब और दिहाड़ी मजदूरों की है, जिनके घरों का चूल्हा बीड़ी जैसे घरेलू उद्योगों के सहारे ही चलता है। यहाँ ज्यादातर मजदूरों के न तो खाते हैं और न ही इन्हें ई वॉलेट का इस्तेमाल करना आता है। इतनी मजदूरी नहीं हो पा रही है जितनी पहले हुआ करती थी, आज 10% भी नहीं रही। अब बताइए कि हम मजदूरी करें या लाइन के अंदर लगें। अगर लाइन में लगते हैं तो हमारी मजदूरी जाती है, अब अगर हम मजदूरी करते हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं पड़ पा रही है। ऐसे ही ना जाने कितने छोटे उद्योग हैं जिनके मालिक और उनसे जुड़े किसान मजदूर बेहाल हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर शायद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार की तारीफ करने के साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। देश के कुछ जाने माने अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि नोटबंदी से काले धन पर ज्यादा चोट नहीं हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने का पूरा अंदेशा है। घबराए लोग अब काला धन देश के बाहर रखेंगे, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा और जीडीपी में गिरावट होगी। लोगों के पास कैश कम होगा तो क्रय शक्ति कम होगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। छोटे उद्योगों को भी नकद न होने से दिक्कतें हो रही हैं, उनका धंधा खराब होगा जिसका असर जीडीपी पर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि लोगों में घबराहट है जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज तक ब्यूरो। क्रय शक्ति कम होने का जो अंदेशा अर्थशास्त्री जता रहे हैं उसकी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में संतरे की खेती और उससे जुड़ा कारोबार मुश्किल में है, तो छत्तीसगढ़ में किसानों ने जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सब्जी उगाने वाले किसान क्या कर रहे हैं। लागत निकलना भी मुश्किल हुआ तो रायपुर में किसान सब्जियां मुफ्त में लुटाने लगे। मुफ्त की इस लूट में मानो पूरा शहर ही उमड़ पड़ा है। लोग थैला नहीं बोरियां ले लेकर आ रहे हैं और बिना कोई दाम चुकाए बोरियां भर भर कर सब्जियां ले जा रहे हैं। अरे धक्का मत मारो, मिलेगा सबको मिलेगा। वो सब्जियां रायपुर में मुफ्त में बोरी भर भर कर बांटी जा रही हैं। इन्हें ले जाने वाले तो खुशी से चहक रहे हैं, लेकिन जरा इन्हें बांटने वालों का दर्द भी समझिए। नोटबंदी ने इन जैसे सैकड़ों किसानों की ये हालत कर दी है। रायपुर में सब्जियां मुफ्त बांटी जा रही हैं, तो खरीदारों की कमी से मध्य प्रदेश के संतरा कारोबार की कमर भी टूट रही है। खरीदारों के इंतजार में पेड़ पर लगे लगे ही हरे से पीले हो रहे हैं संतरे, क्योंकि न संतरे के कारोबारियों को ढुलाई के लिए लोग मिल रहे हैं न खरीदार। पिछली फसल तो खत्म हो ही गई और अगली फसल कोई लेने वाला नहीं है, जबकि दिसंबर में ले लेते हैं, मार्च में टूटती है, अग्रिम दे देते हैं पैसे और अब तो कोई लेने वाला ही नहीं है। तो आने वाली फसल का भी नुकसान भयंकर, कोई लेने वाला ही नहीं है, व्यापारी नहीं आ रहे हैं, नहीं तो दिसंबर में बिक जाती है हर साल। माल खरीदा था उसको छोड़ना पड़ा, पैसे नहीं होने की वजह से पेमेंट हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो कितना एडवांस दिया था आपने किसान को? 35% एडवांस देते हैं। मजदूर को देने के लिए भी पेमेंट बैंक से नहीं निकल पाता है, चेक भी खत्म है, कैश में पैसा मिल नहीं रहा, ये परेशानी आने की वजह से हमें वो छोड़ना पड़ा, मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार ज्यादातर बागों से ना ही दिसंबर में संतरों को पेड़ों से तोड़ा गया और ना ही मार्च की फसल के लिए कोई सौदा हुआ। तो ये कमी क्यों हुआ? कमी है बोले तो काम पैसा नहीं मिल रहा ना बैंक से, तो ये वो खरीदेंगे तो हम भरेंगे, वो एक नहीं खरीद रहे तो हम कहाँ से भरेंगे, वो क्या क्या करेंगे फिर? उनसे पैसा मिल रहा है आपको? उनको पैसा से पैसा थोड़ा मिल रहा, थोड़ा कम मिल रहा। तो फिर कैसे काम चल रहा है? उधारी पधारी किराना जो है उधारी उधारी पर चला रहे थी। कहाँ का प्रेम बन जाएंगे, उनको ही नहीं मिल रहा, वो रो रहे तो कहाँ देंगे हमारे को? जितना माल उन्होंने लिया है तो क्या सड़ा देंगे? और हरदम हर साल हम इनके तरफ आते, अब इस साल उनके पास भी कुछ नहीं, हमारा क्या होगा? आप सब बात मोदी पर भी है ना, सब जनता को उसने गुंडा बना दिया ना।
हालांकि सरकार ने इन परेशानियों को देखते हुए राहतों के कई ऐलान किए, लेकिन खाद बीज की खरीद से लेकर ढुलाई और बिक्री तक का सारा काम कैश में करने वाला पूरा सिस्टम बदलते बदलते वक्त लगेगा और यही वक्त बन सकता है अर्थव्यवस्था की सुस्ती का सबब। आज तक ब्यूरो।